व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल है यार। बड़े दिन हो गए थे, मैंने कोई व्लॉग्स व्लॉग नहीं बनाया, कोई बातचीत नहीं की। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल बनी हुई है यार, पूरे पाकिस्तान की। मैंने एक दो वीडियोस रिकॉर्ड की, काफ़ी दिन हो गए हैं, और उसमें था फूड व्लॉग थे कोई ना, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह के थी सीरीज़ फूड रिव्यू। तो मैंने सोचा कि अपलोड करूँगा, उसके बाद बाबा जी कोरोना ने काम खलास कर दिया, ठीक है। और तब से आपका भाई बैठा इसी कमरे में, उस दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो पीछे सोफ़ा लगा हुआ, वहाँ पे मैं सो जाता हूँ, वो पीछे वॉशरूम है, वहाँ से ईची बीची हो जाती है, और यहीं पे अपनी रोटी छोटी दाल पानी चल रहा है, ठीक है। मैं तो कहीं जा नहीं रहा, ना गपशप लग रही थी आपसे, ना कोई सिलसिला व्लॉग्स का, ना कोई वीडियोज़। तो मैंने कहा कि यार आज करूँगी थोड़ी सी आप लोगों से बात, गपशप लगाएँ। मौसम भी ऐसा है कि यार पंखा चला लो तो बंदा कहता है कि पंखा बंद कर दो, ना चलाओ तो गर्मी लगती है। समझ नहीं आ रही कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरा तो वही सीन ये चल रहा है कि मैं सारा दिन खेलता हूँ गेमें, ठीक है। पबजी खेलते हैं, यहाँ पर कुछ पुराने दोस्त मिल गए हैं पबजी के अंदर, उनके साथ गेमें शेमें खेलते रहते हैं, और सारा दिन कुछ यूट्यूब पे काम करते हैं अपना, और बाकी चैनल्स के लिए, इस चैनल के लिए नहीं, कुछ दूसरे चैनल्स के लिए। और उसके अलावा चलता है कुछ क्लाइंट वर्क, फ्रीलांसिंग चलती है, और काफ़ी चीज़ें मैं तो कर रहा हूँ यार, घर से कर लेता हूँ मैं, नोट भी मान रहे हैं, मज़े भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि यार आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना जब तक कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कम्प्लीटली। और उसके साथ साथ आप लोगों ने साथ में ये करना है कि यार इस तरह किया करो कि आप लोग जो भी फ्री हो, कुछ ना आप लोग स्किल डिवेलप करो अपने अंदर, लाइक के कोई ग्राफिक्स की, कोई फ्रीलांसिंग, कोई लर्निंग करो यार, कोई ई बुक्स पढ़ो, कोई चीज़ें देखो कि लोग किस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं, व्हाट दे आर डूइंग। और काफ़ी आज तो मौसम कमाल है, लेट मी शो यू, ये पीछे खिड़की से दिखाता हूँ, मुझे लग रहा नज़र नहीं आएगा यहाँ से। अच्छा जी, और ये मैं एक पीसी पे बैठा हूँ, ये मेरा ग्लास पड़ा है यहाँ पे, ये मेरा कंप्यूटर, ये मेरा गेमिंग कीबोर्ड, इसके ऊपर सारा दिन गेमें चलती रहती हैं, और एक वो पीछे लैपटॉप पड़ा होगा शायद आपको नज़र आए, उसके ऊपर भी थोड़ा काम करता हूँ, एक ये स्क्रीन है और एक लैपटॉप वो पीछे पड़ा है। ये तमाम तर चीज़ें जो सी हैं काम शाम के सिलसिले में चलती रहती हैं। अच्छा तो यार आप लोग बताओ क्या कर रहे हो आजकल, कमेंट के अंदर मुझे बता देना। उसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी आ रहा है, आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मैं अपडेट रहता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि यार कुछ थोड़ी सी गेमिंग शेमिंग आप लोगों के साथ ना कर लीजिए। तो चलो आप लोगों का गेमिंग सीन दिखाता हूँ कि क्या गेमिंग शेमिंग चल रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो फिर यहाँ पे गेमिंग सीन भी ऑन रखेंगे, साथ साथ आपसे गपशप लगा करेगी, कोई लाइव स्ट्रीम भी कर लेंगे या कुछ मज़ीद सोचेंगे। बाकी मेरा टाइम तो चल ही रहा है, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना कि आपका कैसा चल रहा है, तो आओ जो गेमिंग में। चलो भाई लैंडिंग कर ली है हमने पोचिंकी में, भाई पोचिंकी में बहुत बंदे आते हैं भाई, कसम से यकीन करो। गन मिल जाओ, देखो मैं उतरता हूँ जब भी मेरे नसीबों में शरले। अरे अरे भाई इधर से सप्रेसर चल रहा है, मेरा एक बंदा नोक यार, कसम से जब हमें कोई गन नहीं मिलती इनको सारी मिल जाती है। देखो मिल गई शॉर्ट गन साली, ये कौन मार, ओ तेरी बहन को, ओ तेरी, ओ भाई मेरी पावर देखो, कसम से मेरे पास से शरला गुजर भी गया ना मेरे मर जाना। व्हाट द डॉग इज दिस, डॉक्टर जॉनी कुछ करो, टीका लगाओ। ओए यार भाग, शुक्र है मुझे किट मिल गई, मेरी पावर देखो कसम से, मुझे ये गोली पड़ गई तो मैं गया। फर्स्ट एड किट लगा ले साले, वो मेरे दो बंदे देखो, एक मर गया दूसरा चला गया वैसे ही। अरे नंबर टू भाई मेरे पास आ जा प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत मजा आएगा, जल्दी करो जल्दी। अरे यार ये कहां पर है भाई, कहां पर है, सामने से फुटस्टेप आ रहा है मुझे हल्का हल्का। कोई ना बोले नीचे तुम, वो देखो ऊपर चढ़ा हुआ है साला, कैसे छलांगे मार रहा है भाई, देखो कैसे जा रहा है, इसको मैंने ग्रेनेड से मारना, कसम से ये बंदा इधर बैठ जाए सही, आज इसको मैंने ग्रेनेड से तून देना है। वो लेट गया, मारो ग्रेनेड इसको। अरे फेंक दे, मुझे लग रहा मेरे हाथ में फट जाए ना, ओ भाई ग्रेनेड से मार दिए इसको साले को, तो पूरा मारना भाई पूरा। इसका नाम क्या था, पता नहीं क्या नाम है इसका, वलीद, इसका साथी भी सामने आ गया है, बहुत ही होशियार बंदे हो माड़ा तुम यार, इसको कितनी मारूं यार, अबे साले ने पता नहीं कौन सा लोहे का कच्छा पहना हुआ है, मर ही नहीं रहा।
मुझे लग रहा है भाई अब मुझे जाना पड़ेगा कहीं से छुप छुप आगे। वैसे मैंने इसका बंदा जो ग्रेनेड से मारा है ना वो भी रोता होगा, बचाओ मुझे रिवाइव दो साले। अरे देखो भाई मेरे सारे बंदे मर गए, मैं अब अकेला यार। इस स्क्वाड को तो मैंने खत्म करना ही करना है, गेम में जीतू ना जीतू वो जा रहा है साफ निशाना है भाई। इसको तो मैं मार ही होऊंगा। चलो मेरे पास गन्स भी तो देखो ना फारग है यार। वो देखो सड़क के ऊपर ही नोक कर दिया उसको, इसका किल चुरा लिया तो। वो पीछे से फोन आ गया। लो एक तो साला बोर्ड टपक गया था यार। ये पावर क्या है यार, मजाक बना दिया यार कसम से। मेरे पास पहले हेल्थ नहीं है, ऊपर से पट्टियां मेरे पास पड़ी हुई है सब रंग की। देखो यार तुम खुद बताओ अब मुझे निकलना होगा यहां से। यार मेरे पास सिर्फ 35 बुलेट्स हैं यार इस गन के अंदर। देखो जरा दो बंदे अभी जिंदा हैं उनके, दो नहीं एक मारा मैंने अभी उनका, मैंने एक मारा, दो मैंने कोई और मारे हैं, एक तो बोट है। चलो इस बंदे की डब्बी में तो चेक करते हैं इसके पास क्या बड़ा है पेटी में। ये देखो यार वैसे तो उसके पास भी कोई खास चीज नहीं थी, थॉम्सन लेके तो जा रहा। इसने दरवाजा भी तोड़ दिया यार देखो जरा। कोई आ रहा। इसका बंदा आ गया तेरी फैन को, दो बंदे दो हैं कि तीन हैं। लो भाई मेरी जिंदगी का खात्मा हो गया, आखिरी सांस ले ले भाई, शहादत आने वाली है। आ रहे हैं लगता ऊपर ही आ रहे हैं यार, मुझे लग रहा है हैकर है इनको लोकेशन पर। ऊपर आ गया, नीचे उतर एक बंदा ऊपर आया। यहाँ छुप जाता हूँ मैं भाई, छुपने के सिवा कर भी कुछ नहीं सकता मैं, ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तीन बंदे हैं मुझे मार देंगे, वैसे अगर कोई मेरे हाथ आ गया ना मैंने फटका देना। आ गया। दो नीचे उतर आए हैं। अरे भाई ओए आ गया, ओए वो ये गया, वो एक को तो मैंने खा लिया। यस वो दूसरा बंदा भी देखो मार इसको। ओए यार ओए दो बंदे मार दिए दो बंदे नो को इसको को तेरे को मैं गया। लेकिन मैं इसको पूरा मार के जाऊंगा, इसको मैं पूरा मार इसको मार को गन रीलोड। अरे यार देखो यार तुम्हारे भाई ने कितनी कोशिश की है यार, इसको स्टेपटेट करता हूँ। वो देखो दूसरे बंदे की पावर लो थी। सो आई होप के यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद मज़ा आया होगा, आप लोग भी गेमिंग कर रहे हो गए आई होप और एंजॉय कर रहे हो गए। यार बाहर का सीन तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है बाबा जी, बाहर तो मौसम बड़ा चंगा हो गया जी, आज जरा बाहर वेख के आइए। तो ये है जी बाहर का सीन, यहाँ पे टेरेस के ऊपर थोड़ा सा टहल लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, फिर लेते हैं क्योंकि बाहर तो अब जा नहीं सकते। और पीछे मौसम देखो कैसा लग रहा है मेरे तो पहले भी यार काफ़ी दिन घर में गुजरते रहते हैं। आप लोग बताओ आप लोगों का क्या सीन चल रहा है, तो कुछ गेमिंग शेमिंग करो, इंजॉय करो। वो देखो यार सामने पार्क वेरान, पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ आवाम आया थी थी रहते थे लोग, लेकिन अब सारे सड़कें गलियां सुनसान, दूर दूर तक कोई शख्स नहीं नजर आ रहा, वरना कोई ना कोई होता था बंदा बंदा फिलहाल। लेकिन इस टाइम पर भाई ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो बस यार दुआई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ताला इसके अंदर बेहतरी करे और जो भी हालात वगैरह ख़राब हुए हैं सब ठीक हो जाए। ठीक है तो फिर ठीक है, आप लोगों से मिलूंगा एक नई वीडियो में। अगर कुछ बनाता हूँ, अगर कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन होते हैं, कोई फूड सीरीज़ बनाते हैं या कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, नहीं तो फिर गेमिंग शेमिंग करते रहेंगे, इसी चैनल पे करता रहूँगा। आप लोग भी इंजॉय करते रहना, मैं भी करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, बाय।